हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बियर्ड्स ड्रॉ करेंगे, और यदि आप एक बिगनर आर्टिस्ट हैं और आपको बियर्ड्स ड्रॉ नहीं करना आता तो इस वीडियो में देखकर आप स्टेप बाय स्टेप आराम से रियलिस्टिक बियर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो मैंने एक खाली पेपर शीट ली है और उस पर सबसे पहले मैं बियर्ड्स की आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी लाइट होती है, और आउटलाइंस हमें हमेशा लाइटली ड्रॉ करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने वीडियो की नॉर्मल स्पीड को बढ़ाकर काफ़ी फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो अब बियर्ड्स की बेसिक आउटलाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, और अब मैं HB पेंसिल का यूज़ करके बियर्ड्स की शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग हमें कुछ इस तरह से करनी है, फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही। शेडिंग के लिए सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड यही है कि पहले लाइट शेडिंग करें और फिर बाद में डार्क शेडिंग करें। तो हम लाइट टू डार्क शेडिंग ही करेंगे। और यहाँ पर बियर्ड्स में हमें कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है, और पेंसिल पर हमें बहुत ही लाइट प्रेशर का अप्लाई करना है शेडिंग के लिए। और HB पेंसिल से शेडिंग हो गई है कंप्लीट, और अब हम इसे कर लेते हैं ब्लेंड। हेयर्स की ब्लेंडिंग के लिए मैं हमेशा ब्रश का यूज़ करता हूँ, बिकॉज ब्रश सबसे बढ़िया टूल है हेयर्स की ब्लेंडिंग के लिए। और हेयर्स की ब्लेंडिंग के लिए किसी भी नॉर्मल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बियर्ड्स में हाइलाइट्स कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर का यूज़ करके। हमने जो फोटोग्राफ लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हाइलाइट्स करने हैं। मैंने हाइलाइट्स कर लिए हैं, और अब मैं 8B पेंसिल का यूज़ करके बियर्ड्स की शेडिंग कर रहा हूँ। 8B पेंसिल से मैं बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर ज़्यादा डार्क एरियाज हैं उन पर मैं हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर लाइट एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ही लाइट प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। और बस यही सिंपल सा मेथड है हेयर्स की शेडिंग करने का, और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप काफ़ी बढ़िया हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इन सब की नॉलेज आपको अच्छी प्रैक्टिस से ही होगी, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और यदि आपको कोई शेडिंग के लिए डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और 8B पेंसिल से शेडिंग हो गई है कंप्लीट, और अब मैं ब्रश का यूज़ करके कर रहा हूँ इसे ब्लेंड। ब्लेंडिंग हमें हेयर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करनी है। और अब मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ, और इन्हीं हाइलाइट्स से ड्राइंग पर रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स शो होने लगते हैं। सो हेयर्स की ड्राइंग के लिए सबसे मोस्ट पार्ट होता है ये। और जैसे जैसे हम हाइलाइट्स कर रहे हैं ड्राइंग में काफ़ी बढ़िया इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। और अब हमें HB पेंसिल का यूज़ करके एक्स्ट्रा हेयर्स को ड्रॉ करना है बिल्कुल बारीकी से, और इसके लिए हमारी HB पेंसिल काफ़ी शार्प होनी चाहिए। और अब हमने बियर्ड्स की ड्राइंग कंप्लीट कर ली है, तो
तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जल्द ही मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।